तो नमस्कार, सत श्री अकाल। आ चुके हैं हम एक और वीडियो लेके रेस्पिरेशन का। इस गर्मी में हम तो सांस नहीं ले पा रहे, पर कोई ना कोई सांस जरूर लेगा। और जब तक इसे ओपन करते हैं तब तक जानते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में आके डिफरेंस क्या है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सांस लेना, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बट रेस्पिरेशन का मतलब होता है उस चीज को ब्रेक करना। और थोड़ा सा अगर हमें चलाने में दिक्कत होगी तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सबूत नहीं है। तो आइए सीखते हैं। देखिए अभी दिक्कत हो गई, अब थोड़ा थोड़ा सोर हो रहा है। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, यहां पे कुछ लोग भी बैठे हैं, लास्ट में आपको मिलाएंगे जरूर सबके गरम गरम चेहरों से। कुछ कुछ उबल चुके होंगे, पक चुके होंगे। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जहां पे ग्लूकोज जो हमारा फूड है वो ब्रेक करेगा, हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब सवाल आता है एनर्जी क्यों और क्या, यही सवाल आता है। अगर हमें कोई काम कराना है, हम दुकान पे गए और हम बोलेंगे भैया हमें पिज्जा दे दीजिए, तो हमसे क्या मांगेगा, पैसा। और वैसे ही हमारी बॉडी का पैसा होता है एनर्जी, दैट इज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म यहां पे क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी बिना एटीपी के काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी है। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी बात करें। आप सब लोग ने डाइजेशन में पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक करता है, स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वहां से वो पहुंचता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में उसको एक प्रोडक्ट में तोड़ा जाएगा, जिसको यहां पर हम कह रहे हैं प्रोडक्ट वन। और फिर ये प्रोडक्ट वन यहां से उठ के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनल प्रोसेस होगा। तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है, रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस इनसाइड लिविंग सेल्स। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। पर अगर रेस्पिरेशन को हम सिंपल शब्द में कहें तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कोई जानता है, आजकल स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, पहले हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे और फिर हम उससे पैसा कमाएंगे। तो एक रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस कुछ इसी तरीके से होता है, जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे और फिर हमारे पास और पैसा आता है। और इसी तरीके से रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, क्योंकि ये हमें भी पसंद नहीं इतना ज्यादा पढ़ना इंग्लिश, तो देखिए सीख रहे हैं। तो पिछले में हमने बात की कि रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन किसका होता है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने पर एनर्जी क्यों मिल रही है, क्योंकि उसके पास है बॉन्ड। ये रहा ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन, जिसके पास एक OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, 6 बॉन्ड। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है, देखिए आपको यहां बॉन्ड ब्रेक करते हुए दिख रहा है, तो हर एक बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और यही हमें एनर्जी देगा। अब एनर्जी कैसे स्टोर है, सबने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी। तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको एनर्जी रिलीज करनी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें एनर्जी लगेगी। वैसे ही जब कोई बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी लगती है, और जैसे ये ब्रेक होता है उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसमें क्या लग रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम ऑपरेट कहां से करते हैं, किसी को कोई आइडिया कहां से ऑपरेट कर रहा है, इसका नाम सुना है कोई, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन। वहां से हम फिर एब्जॉर्ब करेंगे, उसको साइटोप्लाज्म में भेजेंगे और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत बढ़िया, कहीं दिक्कत होगी तो पूछना। और वहां से क्या बन रहा है, हमारी बॉडी का पैसा। हमारी बॉडी का पैसा क्या है, और रेस्पिरेशन का काम क्या है, उसी पैसा को क्रिएट करना बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आगे समझ में आएगा क्यों हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। अच्छा, अगर हमें बॉडी बनानी है तो क्या हम जिम जाएंगे और डंबल देखेंगे तो बॉडी बन जाएगी, नहीं ना, इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक भाई साहब यहां हां भी कह रहे हैं,
देखिए अगर हम बहुत सिंपल तरीके से एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस का आउटलाइन बनाए, क्योंकि आउटलाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आउटलाइन आखिर है क्या? हमें ग्लूकोज मिला कहां पे? मिला साइटोप्लाज्म में, और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? पाइरूवेट। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। और इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब ये होगा ही होगा, ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ये ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में जाकर ऐसे पलट गया, एकदम पसरा हुआ है। हाँ बस ठीक है, उसको मतलब नहीं कि ऑक्सीजन है कि नहीं, उसको पता है कि वो पाइरूवेट में टूट जाएगा, तो ध्यान नहीं देता, वो जाकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। जैसे तुम यहां से घर जाओगे ऐसे पलट गए, हाँ हवा चल रही है, खाना मिले ना मिले, बने ना मिले, कोई कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये पाइरूवेट पहुंचेगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्लांट्स और ह्यूमंस की बात हो रही है, उसके अलावा किसी की बात नहीं हो रही। तो जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, अगर एरोबिक प्रोसेस हुआ मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक। और अगर एनएरोबिक हुआ ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो कम पैसा मिलेगा। मतलब जैसे कई सारे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स की ब्रांच होती है, तो अगर मेन स्कूल में हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर मेन स्कूल में काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे हेड नहीं है, तो वहां पे हमें कम पैसा मिलेगा। और ये एक आउटलाइन होता है पूरे प्रोसेस का। ये पहले प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और अगर ग्लाइकोलिसिस का संधि विच्छेद करेंगे तो ग्लाइको और लिसिस आएगा। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, और लिसिस मतलब उसका ब्रेक होना। और पाइरूवेट के बाद के प्रोसेस को अगर वो एरोबिक है तो कहलाएगा क्रेब्स साइकिल। क्या कहलाएगा? क्रेब्स साइकिल। अब आओ देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस आखिर में क्या होता है। इस चीज को एकदम से इग्नोर करते हैं, ये स्लाइड गलती से आ गई, और ये रहा हमारा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का प्रोसेस है, और जैसा कि तुम लोगों को बता रहे थे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, और अब ये इन्वेस्टमेंट होता क्यों है ये बात करते हैं। ध्यान से देखना फिर आगे समझेंगे। पहले दो प्रोसेस में एटीपी लग रहा है, देखो ये आरएनए बना रहा है, क्या बता रहा है? एटीपी हमें देना पड़ रहा है, दिख रहा है ना? जैसे ही सीख जाएंगे उसे मजा आ जाएगा। और अब दिख रहा है, पहले दो प्रोसेस में हमारा एटीपी लग रहा है, और ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर जैसे ही इस प्रोसेस को क्रॉस कर रहे हैं, प्रोसेस छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया हमें तो नहीं दिख रहा है, कैसे छोटा होगा? अरे तेरी, अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सबूत नहीं है तो इग्नोर करना, ऑनलाइन वालों भी और ऑफलाइन वालों भी हम भी सीखे रहे। तो जैसे ही इस प्रोसेस को क्रॉस करेंगे, इसके बाद एनर्जी हमारी एकदम नहीं बढ़ेगी, और फिर हमारा क्या होगा? पे ऑफ। मतलब जो पैसा हम लगाए थे वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। क्या क्या मिल रहा है? एक एटीपी यहां मिल रहा है, एक एटीपी यहां मिल रहा है, दिख रहा है ना, टिक लगा हुआ है, और एक एनएडीएच यहां भी मिल रहा है। एनएडीएच भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, नॉट फॉस्फोरस। तो हमने दो एटीपी गवाई, इन्वेस्ट किया, और मिला क्या हमें? दो एटीपी और एक एनएडीएच। तो ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का। अब इसको और मजे से समझते हैं, बस एक बार ही छोटा हो जाए हमसे, फिर समझेंगे, और इसका मेनोमिक्स भी पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज में आपको दिख रहा है, सबसे पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज में सबसे पहले प्रोसेस में फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज जैसे ही पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में, वो भागने की कोशिश करेगा। अब तुम लोगों को घर पे बैठा लिया गया और गेट खोल दिया गया, जिसके घर में पेट होगा उसको पता होगा कि गेट नहीं खोला जाता है, कि जैसे ही गेट खोलेंगे पेट भाग जाएगा, इसीलिए गेट बंद करके रखा जाता है। सेम ग्लूकोज के साथ भी होता है। ग्लूकोज सेल का पेट है, फालतू आदमी। जैसे ही ग्लूकोज आता है तुरंत ग्लूकोज भागने लगेगा। तो हम ग्लूकोज में क्या लगा देंगे? फॉस्फेट ऐड कर देंगे, और उसको क्या करेंगे? ट्रैप कर देंगे। यहां तक कोई कष्ट? किसी को कोई कष्ट नहीं? ग्लूकोज में जैसे ही फॉस्फेट ऐड किया, वो क्या हो जाएगा? वो ट्रैप हो जाएगा, और उसके पास और कोई मौका नहीं बचेगा, उसको अब टूटना ही पड़ेगा। जैसे उसमें एक फॉस्फेट ऐड हुआ, तो अब हम देखेंगे हम फॉस्फेट क्यों ऐड कर रहे हैं। किसी को कोई आइडिया फॉस्फेट क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि अगर फॉस्फेट ऐड होगा, हमारे पास तो एटीपी ढेर सारा है ना, फॉस्फेट ऐड होगा तभी तो एटीपी बनेगा, और एटीपी बनाने के लिए हमें फॉस्फेट की जरूरत है, तो हम फॉस्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला फॉस्फेट हमने ऐड किया ताकि हम ग्लूकोज को ट्रैप कर सकें, क्योंकि हमें खाना मिला तो पहले हम अपने ले लेंगे ना। मान लो तुम कई दिन से भूखे हो, और तुम्हारे घर में अचानक से खाना आ गया तुम्हारे मोहल्ले में,
तो क्या तुम पहले बांटोगे कि पहले अपने लिए उठाओगे? अपने लिए उठाएंगे, ये भी एक काम करता है। फिर हमें पता चला कि ग्लूकोज के पास एक ही एम्प्टी पोजीशन है। ग्लूकोज के पास फंक्शनल ग्रुप कितना होता है? एक एल्डिहाइड, एल्कोहल को अगर छोड़ा जाए तो, और कितना? एक ही है। एल्डिहाइड में ऐड करने में कष्ट हो रहा था तो हमने उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट किया? फ्रक्टोज में, क्योंकि ग्लूकोज के पास एम्प्टी पोजीशन एक। अगर हमारे पास दो लोग हैं तो हमें कितनी चेयर चाहिए? दो। एक चेयर से तो काम चलेगा नहीं, तो हम किसी शादी में सब लोग गए हैं तो ढेर सारी चेयर आती है एक के ऊपर एक, तो अगर उतने ही लोग होते हैं तो कोई चेयर खुलता नहीं, डायरेक्ट वहीं पे बैठ जाता है ना। मतलब एक साथ कई सारी चेयर है तो उसी पे बैठ जाएंगे ना, ज्यादा लोग नहीं आए तो। पर अब चाचा ताऊ बुआ इधर उधर के सब लोग फलाना ठिकाना आने लगे तो हम चेयर को आइसोमराइज कराएंगे, चेयर का फंक्शनल ग्रुप या स्ट्रक्चरल पोजिशन चेंज होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेयर कम नहीं हो जाएगी। ऐसे अगर 10 चेयर लगाया निकाल के अलग अलग रखें तब भी 10 चेयर रहेगी, तो जब लोग बढ़ने लगे तो हम क्या किए? चेयर खोले और अलग कर दिए। वही काम यहां करते हैं। ग्लूकोज के पास सिर्फ एक चेयर थी, हम उसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर दिए? फ्रक्टोज में। और जैसे ही एक और खाली जगह मिली हमें और फॉस्फेट ऐड, तो यहां क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, और कितने फॉस्फेट ऐड हो गए? दो। और तुरंत हम इसको 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट किए, बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, और यहीं पर हमारी पहली एनर्जी मिलेगी। देखो यहां एनर्जी दिए और इसको 3 कार्बन में तोड़ दिए। किसमें तोड़े? ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के हैं। और अब हमारा पे ऑफ का समय आ गया, हम एनर्जी लगा चुके हैं। हम हमारे घर कुछ फंक्शन था, हम सबको खाना खिला दिए, तो मेरे खाने का भी तो समय आएगा, तो हम अंतिम में क्या बोलेंगे? हम सबको खिलाया, हमको सब खिलाया, तो अब पे ऑफ का समय है। और ये तुरंत टूटेगा ट्रायोस बिस्फॉस्फेट में, या 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का। और इसमें हमें क्या मिलेगा? एनर्जी दिख नहीं रहा है अब, दिखा? ये इसमें टूटे तो हमें एनर्जी क्यों मिली? आइसोमर सब लोग पढ़ा है, आइसोमर्स में ब्रांचिंग होती थी, तो हम एक जगह से ब्रांचिंग करके दूसरी जगह लगाएंगे तो स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। तो जब ऐसा होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा और रीअरेंज होगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो जिस बॉन्ड के पास की एनर्जी कम लग रही होगी वो हमें एनर्जी देगा ना। जैसे मेरे पास 100 समोसे पर मैं 2 समोसे से काम चल जा रहा है तो हम बाकी चीज बांट देंगे ना। अगर किसी को चाहिए कि हमसे समोसा ले ले तो हमको उसके बदले देगा भैया आप फेंटा पीजिए हमको समोसा दे दीजिए, तो वही काम ये नहीं करेगा। ये आइसोमराइज होगा 3 कार्बन में और हमें पहली एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ NADH, ठीक। इसके बाद ये वापस से हमें ATP देगा, वापस से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको PGA कहते हैं, जिसके कारण इसको PGA साइकिल भी कहीं कहीं बोला गया है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक लंबा आइसोमराइजेशन का प्रोसेस करेगा बस वॉटर निकाल के। कई बार एल्कोहल एल्कीन में चेंज होता है वाटर निकाल के, वैसा ही कुछ पोजीशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये कन्वर्ट होगा PEP फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। और फाइनली एक और एनर्जी हम इससे निकालेंगे जो हम इसको दिए थे यहां पे, और इसको कन्वर्ट करेंगे पाइरूविक एसिड, ठीक। अब इसकी मेनोमिक्स की बात करते हैं, मेनोमिक्स मतलब किस तरीके से इसे याद किया जाए। देखो यहां लिखा हुआ है सुंदर सा मेनोमिक, गुड ग्रेशियस फ्रैंकलिन फादर डिड गो, एक ही लाइन में याद कर लो क्योंकि यहां आइसोमराइजेशन हो रहा है, इसे कट कर दो, बाय पिकलिंग पंपकिन टू प्रिपेयर पाई। अब इसको इसका मतलब समझते हैं। पहला वर्ड गुड का मतलब ग्लूकोज, फिर ग्रेशियस का मतलब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रैंकलिन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और फादर फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। तो फादर तक समझो कि एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, एक बार यहां और एक बार यहां, और फिर आइसोमराइजेशन हुआ है, ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट दिख रहा है, आइसोमराइजेशन इसीलिए एक साथ लिखे हैं। और फिर देखो तो दूसरा सुंदर सा कलर लिया जाए, कौन सा कलर लिया? नीला, नीले नीले रंग। फिर उसके बाद आता है बाई, और बाई से हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी, बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पिकलिन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पंपकिन फॉस्फोग्लिसरेट,
टू का कोई मतलब नहीं है, टू को काट दो, बेइज्जत आदमी है। देखो यहाँ कटा हुआ है, इग्नोर करो। प्रिपेयर फॉस्फोन और पाइरुवेट, पाई पाइरुविक एसिड। यहां पे एक चीज साफ साफ क्या दिख रही है, कहीं ऑक्सीजन यूज हुआ है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस होना तय है, ये बात समझ में आ रही है। और इंपॉर्टेंट बात, इसको क्यों ट्रैपिंग भी कहते हैं, जैसे ही ग्लूकोज यहां पे कन्वर्ट होगा, इसके बाद जो प्रोसेस आता है उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल चलता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। अगर एटीपी ज्यादा होगा तो यहां से इसे कन्वर्ट कर देंगे ग्लाइकोजन में और इसको स्टोर कर देंगे, पर अगर एटीपी कम होगा तो यहां से हम आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को पैसा दे दिए तो वो तो रुकेगा ना। मान लो हम किसी से काम करवा रहे हैं, मान लो हमको यश से काम कराना है, यश का किसी चीज का बिजनेस है। अब अगर हम इसे एडवांस कुछ दे दिए हैं, मान लेते हैं कुछ एडवांस दे दिए, तो क्या हम इसे एडवांस मांग के दूसरे से काम करवाएंगे? नहीं ना। अब तो एडवांस दे दिए, अब हम भी रुकेंगे और इसको भी करना पड़ेगा। और यही पे हम ग्लूकोज को एडवांस दे चुके हैं तो अब ग्लूकोज जाएगा नहीं, और जब ये जाएगा नहीं तो इसको अगर एटीपी की कमी रही तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और एटीपी की कमी नहीं रही तो क्रेब्स साइकिल में आगे बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले में पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, क्योंकि गर्मी बहुत है और हम मर जाएंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को मिला भी देते हैं, कुछ कुछ लोग हैं, अच्छा अच्छा चेहरा बना लीजिए। और हम फोन पलट रहे हैं तो देखिए, इधर से यश, रुद्र, रुद्र मैथ्स का है, अमित, अथर्व, और ये रही भार्गवी, और ये रही भार्गवी। तो बगल का थोड़ा बेकार था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।